दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल के इतिहास में मारपीट से लेकर बहस तक कई किस्से जुड़े हैं। कभी तेज गेंदबाज श्रीसंत को हरभजन सिंह ने बीच मैदान में थप्पड़ जड़ दिया था, तो कभी कायरन पोलार्ड ने तो मिचेल स्टार्क पर ही पल्ला फेंक दिया था। और अब 1 मई को इस आईपीएल के इतिहास में एक और शर्मनाक अध्याय जुड़ गया, जब मैच के दौरान टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। ये लड़ाई इस कदर हुई कि बस समझो मारपीट की नौबत नहीं आई, बाकी सब कुछ हो गया। तो वहीं इस हाई वोल्टेज बहस पर अब विराट कोहली ने चुप्पी तोड़ी है और कह दिया है कि जो कुछ भी हम देखते हैं वो नजरिया होता है, सच नहीं होता। दरअसल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आईपीएल का 43वां मैच खेला गया, जिसमें 126 रन बनाने के बावजूद विराट कोहली की टीम आरसीबी ने लखनऊ सुपर जायंट्स को उसके घर में 18 रन से हराकर मुकाबला जीत लिया। लेकिन ये मैच अब आरसीबी की जीत की वजह नहीं, गौतम गंभीर और विराट कोहली की लड़ाई की वजह से याद रखा जाएगा। जिस तरह से दोनों के बीच हॉट टॉक देखी गई, उसने क्रिकेट को ही शर्मसार कर दिया। ये सब उस वक्त हुआ जब कप्तान विराट कोहली लखनऊ के खिलाड़ी काइल मायर्स के साथ कुछ बात कर रहे थे कि इसी बीच लखनऊ के मेंटर गौतम गंभीर ने एंट्री मारी और तुरंत मायर्स की कमर में हाथ डालकर उन्हें जबरदस्ती विराट से दूर ले जाते नजर आए। दूर जाते हुए गौतम गंभीर लगातार कुछ कुछ कहते नजर आ रहे हैं, जो एक दूसरे एंगल से देखने पर भी दिखाई पड़ता है। इसके बाद विराट कोहली ने इशारा करके गौतम गंभीर को बुलाया और फिर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। अमित मिश्रा और विजय दहिया, केएल राहुल, फाफ डुप्लेसी जैसे सीनियर प्लेयर्स ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन दोनों भिड़ते ही चले गए। इस बीच विराट तो विजय दहिया पर झुंझलाते हुए भी नजर आए। मैदान पर छिड़ी इस बहस के अगले ही दिन विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक इंस्टा स्टोरी पोस्ट की, जिसमें रोमन सम्राट रहे मार्कस ऑरेलियस की बात लिखी थी। इस कोट में मार्कस ऑरेलियस के हवाले से लिखा था, जो कुछ भी हम सुनते हैं वो ओपिनियन होती है, फैक्ट नहीं होती है। जो कुछ भी हम देखते हैं वो नजरिया होता है, सच नहीं होता। कोहली के इस पोस्ट को झगड़े के बाद गंभीर को जवाब माना जा रहा है, तो वहीं इस पूरे झगड़े पर अपनी बात रखने के लिए विराट कोहली ने जिस मार्कस ऑरेलियस की बातों का जिक्र किया, उनके बारे में आपको बता दें, मार्कस ऑरेलियस कभी रोम के सम्राट हुआ करते थे, जिन्होंने 161 से 180 ईस्वी तक शासन किया और उनके दौर को आज भी रोमन साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ऑरेलियस के बारे में कहते हैं, वो एक शासक के साथ साथ दार्शनिक भी थे, जिनके विचारों को आज भी लोग पढ़ते हैं। उन्होंने बिना शीर्षक के एक पुस्तक की रचना भी की थी, जिसे आजकल मेडिटेशन के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने तो अपनी तीसरी बेटी का नाम ही ऑरेलिया रख दिया, जो मार्क्स ऑरेलियस के नाम से ही प्रेरित है। और आज ऑरेलियस के विचारों के जरिए ही विराट कोहली ने गौतम गंभीर के साथ हुई लड़ाई पर अपनी बात रखी है। बहरहाल आपको बता दें, इस लड़ाई पर बीसीसीआई ने तगड़ा एक्शन लिया है। उसने विराट कोहली और गौतम गंभीर पर दोनों पर ही मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया है। तो वहीं लखनऊ के लिए खेलने वाले अफगान खिलाड़ी नवीन उल हक पर भी मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया है। वैसे इस लड़ाई के लिए असली जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।